पूछा हां रोल है चलिए अंजना जी किस फिल्म की शूट कर रही है कुछ बताना चाहेंगी आज हम किस फिल्म के सेट पर हैं आप लोग का सबसे पहले तो स्वागत है हमारे फिल्म के सेट पे जिसका नाम है मर कर भी टाइगर जिंदा है और ये भोजपुरी फिल्म है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है इस फिल्म की इसमें एक रवि सिन्हा जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और इस फिल्म में वो एक नए हीरो को लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम है उनका नाम है मनमोहन मिश्रा वो बहुत ही अच्छे उनकी हाइट बहुत अच्छी है और बेस्ट पार्ट ये है कि न्यू कमर को लेके एक इतने अच्छे बजट की और इतनी प्यारी फिल्म बनाई है हम लोगों ने इसका हाफ शेड्यूल दुबई में भी कंप्लीट किया स्टोरी की डिमांड थी स्टोरी में था कि लड़की दुबई की है दुबई में सेटल है इंडिया की बट वो सेटल दुबई में है तो हम लोगों ने दुबई जाके रियल लोकेशंस पे शूट किया है सारी चीज़ें तो इस फिल्म में ये एक प्लस है कि फिल्म अगर कोई अच्छी बनाना चाहे तो कोई भी बना सकता है बट स्क्रिप्ट के साथ में अगर कोई नहीं खेले तो अगर स्क्रिप्ट की कुछ डिमांड है तो वो पूरी करनी चाहिए दुबई के बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या क्या सीन वहाँ पे शूट किया गया गाने भी शूट किए हाँ हमने वहाँ पे तीन गाने हम लोगों ने शूट किए और सारी डिफरेंट लोकेशंस पे हम लोगों ने वहाँ के शूट किए और वहाँ पे हमने फाइट सीक्वेंस भी शूट किया और हमने वहाँ पे सीन्स भी कुछ शूट किए तो काफ़ी कुछ मतलब आई थिंक हम लोगों ने 10 days का हमारा था शेड्यूल तो काफ़ी जितना भी काम था हम लोगों ने वहाँ पे जो भी दुबई का पार्ट था हमने वहाँ पे निकाला अंजना जी आप इस फिल्म में एक्शन भी कर रही हैं थोड़ा सा है क्योंकि बहुत ही एक्टिव और बहुत ही लड़ाकू टाइप का करेक्टर है अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ मैं और कभी किसी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं की तो लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने कमेंट में रहती हूँ तो जैसा कि नॉर्मल लाइफ में नहीं हाँ तो ऐसा है हाँ थोड़ी सी फाइट मैंने क्लाइमेक्स में किया है रियल में कैसी है अंजना जी आप बचपन में कैसी थी आप ऐसी थी अभी जैसी इसका जवाब आप देंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं मतलब बचपन में किस तरह से थी बचपन में तो मैं जब मैंने फर्स्ट फिल्म की थी तो मुझे रवि जी बोलते थे ये तो टॉम बॉय है ये कहाँ से हीरोइन है और ये कैसे हीरोइन बनने आ गई यहाँ पे या क्या है मतलब उन्होंने बहुत पॉजिटिव बोला था और स्कूल डेज में भी मैं बहुत हर एक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती थी पार्टिसिपेट करती थी स्पोर्ट्स हो डांस हो या कुछ भी हो तो और मैं उसमें जीतती भी थी तो ये मतलब मैं बचपन से ही मुझे सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना और रहना अच्छा लगता है अंजना जी आपकी बेबी भी है 2 साल की अदिति उनमें क्या क्वालिटीज देखती हैं आप उनको वो मुझसे ज़्यादा है और शी इज़ राइट नाउ शी इज़ 3.5 years माय डॉटर अदिति और वो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्टिव है मैं उसको देखती हूँ अभी तो मुझे लगता है वो जब और थोड़ी बड़ी होगी और जब चीज़ें देखेगी तो मुझसे बहुत ज़्यादा और अपने बच्चे पेरेंट्स पे ही जाते हैं तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अभी भी टच वुड बहुत एक्टिव है और बेस्ट हम एज एन पेरेंट मैं यही चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे हंसती रहे बस इस फिल्म की बात कर लीजिए और कौन कौन से कलाकार हैं इस फिल्म में इस फिल्म में मेरे साथ इस फिल्म में मैं हूँ और मनमोहन मिश्रा हीरो है पूनम दुबे जी हैं पायस पंडित जी हैं विलेन में संजय पांडे जी हैं अयाज खान हैं और रजनीश पाठक है और हमारे DOP हैं जहांगीर जी और सेकेंड DOP है अशोक मेहता एंड और कोई बच रहा नहीं और हमारे मीडिया पार्टनर हैं संजय भूषण पटियाला जी इस फिल्म के हाँ अंजना जी दुबई में शूटिंग हुआ था टाइगर अभी जिंदा है का आपने भी वहाँ शूटिंग करके है कैसा लगा वहाँ के लोग वेरी कोऑपरेटिव और वेरी प्रोफेशनल बहुत ही अच्छे लोग हैं अगर आप बहुत ही रूल्स वे में आप शूट करने गए हैं तो आपको कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पे नहीं आपको वहाँ के लोग वहाँ की गवर्नमेंट और सब लोग सपोर्ट करते हैं दुबई में कहीं आपने घूमा हाँ बहुत घूमा पैकअप के बाद बस हम लोग का डबल एनर्जी रहती थी कि कब पैकअप और हम घूमने जाएं हम लोग ने काफ़ी जगह घूमी दुबई के रेत पर आपने गाड़ी वगैरह चलाया कुछ हाँ चलाया ना गानों में चलाया और नॉर्मल ऐसे भी चलाया गानों में भी चलाया सबसे फेवरेट जगह आपको कौन सा अच्छा लगा दुबई डेजर्ट अच्छा है मुझे वहाँ का दुबई फ्रेम बहुत अच्छा लगा बहुत ही पीस है बिकॉज उसको जहाँ पे बनाया हुआ है ऐसा लगेगा कि जैसे हम जब ताजमहल का फर्स्ट लुक लेते हैं बैकग्राउंड में कुछ नहीं है वैसे दुबई फ्रेम में ऐसा है कि आप जब वहाँ जाते हैं तो फुल स्काई आपको दिखता है आगे पीछे कोई बिल्डिंग नहीं दिखती तो वो बेस्ट मुझे वहाँ का बेस्ट लगा आपने कुछ चुरा कर लाया वहाँ से नहीं चोर तो मैं नहीं हूँ मेहनत से ही खाती हूँ मेहनत से ही कमाती हूँ और ख़रीद के ज़रूर लाई नहीं अब गाँव में आम चुराती थी सर
गाँव में हम जो रहते थे। ये किसने बोला? आप बोली होंगे कभी? रवि जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और मैं जब भी वो कुछ अपने प्रोजेक्ट फ्लोर पे लेने लिखे जाने वाले होते हैं या ले जा रहे होते हैं तो वो मुझे याद करते हैं और उनकी फिल्म में मेरे लिए करने के लिए काफ़ी कुछ रहता है। तो ही इज़ माय फेवरेट डायरेक्टर और बहुत ही अच्छे पूनम दुबे और अंजना सिंह का क्या कम्युनिकेशन इस मूवी में? लव ट्रायंगल है इंडिया में, ये मेरे हीरो पे लाइन मारती है, ठीक है फिर झगड़ा हो जाता है हम दोनों के बीच में, फिर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी कर। अच्छा पूरी स्टोरी क्यों पूछ रहे हो यार मुझे? नहीं अगर अगर रियल लाइफ में आपके हीरो के ऊपर कोई लाइन मारे छोड़ दो, आपके रियल लाइफ के जो अभी के हीरो हैं वो एक मूवी बना रहे हैं रवि जी को लेके, क्या अंजना उसमें नजर आएंगी? अब मेरे हीरो की फिल्म बन रही है और उसको मेरे पहले हीरो बना रहे हैं तो वो तो कुछ अलग ही होगी ना। मेरे हीरो की फिल्म मेरे पहले हीरो बना रहे हैं। अच्छा। समझ रहे हैं आप संजय जी, तो वो तो बहुत डिफरेंट होने वाली है। अंजना जी और कौन कौन सी फिल्में हैं आपकी जो आने वाली है, दर्शक देखेंगे? हाँ आने वाली फिल्मों में एक तो ये है टाइगर अभी जिंदा है और बलम जी दगाबाज दिनेश जी के साथ में और गिरफ्तार दुश्मन सरहद पार के, हाँ मतलब और हैं और भी फिल्में हैं और जो फ्लोर पे जाने वाली हैं उनमें दादा मतलब काफ़ी सारी लाइनअप है तो फ्लोर पे जाने वाली और रिलीजिंग के लिए इतनी सारी फिल्में जो हैं रेडी हैं रिलीजिंग। हाँ लव एक्सप्रेस है और बिटिया छठी माई के और हाँ वही उसका नाम अभी बलम जी दगाबाज हो गया है, हाँ उसका नाम चेंज। अनिल जी न्यू ईयर सेलिब्रेट कैसे करने वाली हैं आप? आई थिंक काम करके करने वाली हूँ, मेरा कोई शूट है जो जाने वाला है फिल्म। कुछ कहना चाहेंगे फैंस को न्यू ईयर की शुभकामनाएं? न्यू ईयर के लिए मैं मेरे सारे इसको मैं भोजपुरियों बोलूँगी रहो सब लोगों के हम यह कह के चाहता नहीं कि मस्त रहा बेस्ट रहा खुश रहा और नए साल में कुछ ऐसा मत करिए कि रहो लोग के सामने अगर राहुल कोनो दोस्त या राहुल कोनो रिश्तेदार खड़ा हो तो उसे नज़र चुरा के बात करे के पड़े, ऐसा कोनो काम मत करिए और अपने आप में रहो मस्त रहा और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।